हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ़ यू गुड। आज हम बनाने लगे ज़ीरा राइस, जिसके लिए हमने 1.5 गिलास चावल ले लिए हैं। उसके लिए सिंपल चीज़ें चाहिए, ग्रीन चिलीज, बारीक कटी हुई प्याज, ज़ीरा और नमक, 1/2 कप ऑफ ऑयल और पिंच ऑफ गरम मसाला। अब हम एक पैन लेंगे, अब उसमें 1/2 कप ऑफ ऑयल ऐड कर देंगे, जो हम मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया था। इसमें ऑयल को हीट अप करने के बाद हम उसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे, बारीक कटी हुई प्याज को अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे। प्याज एक थी जो हमने बारीक कट कर ली थी, उसको ऐड करने के बाद उसको अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज को हमने लाइट ब्राउन नहीं करना, थोड़ा सा सुनहरी कलर करना है, क्योंकि ज़ीरा राइस वाइट वाइट अच्छे बनते हैं ज़ीरे के साथ। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें हम 1 चम्मच, बड़ा चम्मच ज़ीरे का ऐड करेंगे। ज़ीरे के बाद हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई करते रहेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें सॉल्ट भी ऐड कर देंगे, जो हमने 1 बड़ा चम्मच लिया था सॉल्ट का। बाकी आप लोगों को जैसे पसंद है, नमक ज़्यादा खाना पसंद है या कम, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कवर करके रख देंगे। उसके बाद ये हो चुका है, कलर अच्छा सा आ चुका है। अब हम इसमें एक छोटा पानी का लगाएंगे और उसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर देंगे और सॉल्ट जितना अगर ज़रूरत है, ज़रूरत अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ऐड करें। उसके बाद हम इसमें अब इसमें चम्मच भर के एक नमक का डालेंगे और उसके बाद इसमें ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे। ग्रीन चिलीज आप किस तरह ऐड करें, मतलब रेड चिलीज तो हम ऐड कर नहीं रहे, तो हम इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर लेंगे, हंसते ज़रूरत और अच्छी भी लगेगी। उसके बाद थोड़ा टेस्ट आ जाएगा चिली चिली का। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा और सॉल्ट ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और 1.5 गिलास के अकॉर्डिंग हम पानी डाल देंगे, तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी डालेंगे। चावल ऑलरेडी भिगो दिए थे, उसके अलावा अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी डालने के बाद इसको थोड़ा सा दम पे रखेंगे। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप कनौर ऐड करना चाहते हैं तो आप कनौर भी ऐड कर सकते हैं टेस्ट के लिए। ज़ीरे राइस में कनौर वैसे भी अच्छा लगता है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसको हम कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के, जब तक बॉयल आएगा। फिर इसको कवर करके रख देंगे और बॉयल आने का वेट करेंगे। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे। पानी को अच्छे से बॉयल आएगा तो तब हम इसको दम लगाएंगे। दम लगाने से पहले हम इसको चेक कर लेंगे सॉल्ट वगैरह। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे, पिंच ऑफ गरम मसाला। उसके बाद कवर करके रख देंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे। अब हमारा हो गया है रेडी, अब हमें दम के लिए हो गए तैयार। इसकी थोड़ी सी कमी रह गई है, अब हम इसको दे देंगे दम। दम के बाद हो जाएंगे चावल हमारे रेडी। फॉयल से दम लगाएंगे, या तो फॉयल से लगाते हैं, कपड़े की स्मेल बहुत बुरी चली जाती है, क्योंकि सर्फ वगैरह से वॉश किया होता है। तो चावल हो गए हैं तैयार, चावल हो गए हैं हमारे रेडी। इंजॉय दिस रेसिपी, आई होप यू लाइक इट। दिस इज़ अ वेरी इजी। और उसके ऊपर हम धनिया डालेंगे। धनिया इसलिए आखिर में डाला है क्योंकि धनिया अगर पहले डाल दें तो ब्लैक ब्लैक हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कलर भी अच्छा आएगा। सब्सक्राइब माई चैनल।